Hello, wonderful people. Welcome back to English Bachao. I am Sujata. और आज अगर आप किसी भी ग्रुप डिस्कशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है. सो आज का एजेंडा है हमारा, एक पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होता है, तो फिर हम पहले सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन लाइंस, इंट्रोडक्शन फ्रेजेस फॉर अ जीडी एंड स्टार्टिंग लाइन्स. अगर आप किसी से एग्री करते हैं तो एग्री वाले फ्रेजेस, एग्रींग फ्रेजेस, फिर डिसएग्रींग फ्रेजेस, फिर कंक्लूजन्स, सजेशंस एंड इम्पोलाइट इंटरप्शंस किस तरीके से कर सकते हैं, और लास्ट हमारा रहेगा कंक्लूजन्स के लिए लाइन्स फ्रेजेस जो आप यूज कर सकते हैं इन योर ग्रुप डिस्कशन. ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल साबित होने वाली है, तो लास्ट तक ये वीडियो देखना मत भूलना और अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और ये वाले नोट्स जरूर बना लेना. अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं नीचे एक पीडीएफ लिंक शेयर कर दूंगी और मेरे ब्लॉग का लिंक भी शेयर कर दूंगी जहाँ पे मैंने इस ये सारी जो भी लाइंस हैं वो मेरे ब्लॉग में मैंने लिखी हुई है, वहां से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, बुक मार्क कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम अगर किसी भी ग्रुप डिस्कशन में जाते हैं तो हमें जो पैनलिस्ट ने टॉपिक दिया है उस टॉपिक को हमें इंट्रोड्यूस करना होता है. सबसे पहले हम खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं अपना नाम बता के, देन हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं. अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आते हैं तो आप वो पॉइंट्स रख सकते हैं साथ में. सो किस तरीके से इसको बोला जाएगा, लेट्स सी. फर्स्ट फ्रेज है हमारा, हाय एवरीवन, आई एम सुजाता बजाज and this group discussion will be focused on, like topic जो भी होगा उसको बोला जाएगा. and firstly let me give you a brief overview of this topic. okay, next phrase है हमारा, good morning everyone, I am Sujata Bajaj and for today's group discussion we will be discoursing on the topic of डैश, लाइक जो भी टॉपिक है उस बारे में आप बताओगे. ओके, नेक्स्ट फ्रेज है हमारा, आई एम सुजाता बजाज द इनिशिएटर ऑफ दिस ग्रुप डिस्कशन एंड वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू प्रेजेंट योर ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक, लाइक टॉपिक फिर हम बोलेंगे. तो इसमें क्या हुआ, अगर आपको कोई पॉइंट्स नहीं आते हैं लेकिन फिर भी आपने लीड ले ली, इनिशिएट कर लिया, सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्मार्ट मूव. ओके, नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको अभी एक फ्रेज बताया जिसमें अगर आपको टॉपिक के बारे में ज्यादा नहीं पता है तो आप जस्ट इनिशिएट कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस करके टॉपिक को आप दूसरों से कह सकते हैं कि वो बोलना स्टार्ट कर दे. सो ऐसे ही नेक्स्ट वाला हमारा है, नेक्स्ट वाले में आप एक क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, लाइक उसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन फॉर्म फ्रेम करके उसी का क्वेश्चन पुट कर सकते हैं और इससे दूसरे लोग स्टार्ट करेंगे, आप बस उसको इनिशिएट करेंगे. सो इसके लिए फ्रेज है हमारा, हेलो एवरीवन, माय नेम इज Sujata Bajaj and I will be initiating the group discussion. I would like to ask a question from all of you. Next phrase hai hamara, hello everyone, I am Sujata Bajaj and I would like to introduce topic of the group discussion. Simple and easy, short line. Zyada lambi line aapko yaad nahi hoti hai to aap ye wali line bhi use kar sakte hain. Next hai hamara, Good morning, ladies and gentlemen. I would like to begin by saying that, like, आप जो भी topic है, जो भी group discussion का name है, title है, वो बोलेंगे, and then you can start proceed by this. Okay. Next है हमारे starting phrases, जो starters होते हैं. Starting phrases आप किस तरीके से add कर सकते हैं? पहले सबसे पहले आपको introduction ही देना होता है. उसके बाद आप इन lines को add करके अपने starting phrases रख सकते हैं. So सबसे पहला हमारा phrase है, I would like to start by stating view of the matter. आपको जो भी बताना है आप उसके आगे add कर देंगे. Next है हमारा, I would like to put forward the point that, लाइक उसके आगे आप पॉइंट बताओगे, जो भी पॉइंट आप रखना चाहते हो यू कैन स्टेट दैट. नेक्स्ट है हमारा,
ये वाले में क्या है कि अगर आपको कोई फ्रेज याद है, कोई कोट याद है, या फिर कोई फेमस पर्सनालिटी लाइक महात्मा गांधी एंड नेल्सन मंडेला एंड एनीबडी एल्स, उसके कोई फेमस कोट्स याद हैं आपको, किसी के भी फेमस कोट्स याद है, तो आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं. दिस क्रिएट्स अ वेरी गुड इम्प्रेशन. सो आप कोई कोड याद करके जाइए, या फिर कुछ कोड्स को आप पढ़ा है, आप रिलेट कर पा रहे हैं ग्रुप डिस्कशन में, तो उस तरीके से आप इस लाइन को यूज कर सकते हैं. अ ग्रेट मैन वंस सेड, इस तरीके से. सो बाद में आप बोलोगे कि इन्होंने कहा था और ये लाइन कही थी. नेक्स्ट है हमारा, आई वुड लाइक टू बिगिन बाय स्टेटिंग माई व्यू ऑफ द मैटर. नेक्स्ट है हमारा, आई एम श्योर दैट सम ऑफ योर माइट एग्री ऑन माई पॉइंट वाइल अदर्स माइट नॉट, बट आई वुड लाइक टू से दैट. लाइक आपको लग रहा है कि बहुत कॉन्ट्रोडिक्टरी आप कुछ बोलने वाले हैं, तो आप ये पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, तो इससे काफी कम लोग आपसे डिसएग्री करेंगे. सो बी सेफ. नेक्स्ट है हमारा, आप बोल सकते हैं इन टूडेज वर्ल्ड, लाइक आप किसी सुपरफिशियल लाइन को बोल रहे हैं, तो आप इस तरीके से रिलेट करके बोल सकते हैं इन टूडेज वर्ल्ड. नेक्स्ट है, आप इस तरीके से विद रिस्पेक्ट, आप बहुत पोलाइटली बोलना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से बोलेंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू पुट फॉरवर्ड द पॉइंट दैट. एंड अगर आप किसी फैक्ट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, किसी नंबर्स फिगर्स को आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, किसी फैक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये फिर लाइन आप यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे, अगर आप किसी चीज से एग्री करते हैं, इफ यू आर एग्रींग विद समवन एज, लाइक किसी ने कोई पॉइंट रखा, आप उसके साथ एग्री करते हैं और आप उसके पॉइंट्स में एड ऑन करना चाहते हैं, तो किस तरीके से, किन फ्रेजेस का आप यूज कर सकते हैं. सो कुछ इस तरीके के पॉइंट है, आई अग्री एंड वुड लाइक टू एड. नेक्स्ट है हमारा, हम बोलेंगे एग्जैक्टली एंड आई बिलीव. नेक्स्ट फ्रेज है हमारा, आई टोटली अग्री विद यू. तो फिर आप बाद में अपना पॉइंट बोल देंगे इसके बाद. नेक्स्ट है, आप बोलोगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, उनका नाम आप याद कर लीजिएगा, आपको उनका नाम लेके बोलना होगा जिसको भी आप पॉइंट कर रहे हैं, जिसकी भी बात को आप पिक कर रहे हैं. तो आप बोलोगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक्स इज राइट बाय सेइंग दैट, जो भी उन्होंने बोला, उसके बाद आप अपनी पॉइंट को भी ऐड करेंगे. नेक्स्ट है, आई थिंक यू आर एब्सोल्यूटली राइट, फिर उसके बाद आप अपना पॉइंट रख दीजिएगा. नेक्स्ट, आई हैव टू साइड विद एक्स ऑन दिस वन, लाइक हम आपकी, आपने जो पॉइंट रखा वो सही है, नाउ आई विल ऐड माई ओन पॉइंट. नेक्स्ट है हमारा, देयर कैन बी नो डाउट दैट, लाइक इस बात में तो कोई शक नहीं है, हिंदी में इसको बोला जाता है. सो आई हैव, देयर कैन बी नो डाउट ऑन दैट. नेक्स्ट है हमारा, दैट्स क्वाइट ऑब्वियस एंड अपना पॉइंट रखिए, पुट योर पॉइंट इन दैट एंड दैट्स इट. नेक्स्ट, वेरी वेल सेड, दिस इज वेरी लाइन, मतलब आप अप्रिशिएट कर रहे हो, दिस शोज योर टीम स्किल्स एज अ टीम वर्क टीम मेंबर, आप उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हो. सो दिस शोज अ गुड जेस्चर. सो वेरी वेल सेड, फिर आप बताओगे उसको पॉइंट और अपना पॉइंट भी साथ में एड ऑन कर दोगे. नेक्स्ट है, दैट्स अ गुड पॉइंट, बट अगर आप अग्री कर रहे हो और आप उसमें एड ऑन करना चाहते हो, तो आप बोलोगे दैट्स अ गुड पॉइंट बट. नेक्स्ट है हमारे, अगर हम किसी से डिसअग्री करते हैं ग्रुप डिस्कशन में, तो कैसे फ्रेजेस को ऐड करें. लाइक आप किसी से डिसअग्री कर रहे हैं, तो आपको कोई बहुत रूड होने की जरूरत नहीं है, अपनी वॉइस राइज करने की जरूरत नहीं है. अगर आप किसी से डिसअग्री करते हैं, तो डू इट वेरी पोलाइटली, वेरी स्मार्टली. डोंट ट्राई टू शाउट, डोंट इंडल्ज इन एनी सॉर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट. प्लीज ट्राई टू काम योर सेल्फ एंड जस्ट पुट योर पॉइंट वेरी पोलाइटली एंड डोंट पॉइंट एनी वन. लाइक किसी को पॉइंट करके बोलने की जरूरत नहीं है अगर आप डिसअग्री कर रहे हैं. अगर आप किसी के पॉइंट के साथ एग्री करते हैं, तो उसको अप्रिशिएट कीजिए, लेकिन अगर आप डिसअग्री करते हैं, तो किसी को पॉइंट मत कीजिए. नेक्स्ट, तो देखते हैं कुछ फ्रेजेस. विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बिलीव इट वुड बी रॉन्ग टू, लाइक आपको लग रहा है किसी ने कोई पॉइंट रखा है, तो आप ऑब्जेक्ट करते हैं, तो आप उसको फ्रेज करेंगे, लेकिन आप किसी को भी पॉइंट आउट नहीं करेंगे. नेक्स्ट है हमारा, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड पार्टली अग्री टू दैट, लाइक आप एग्री नहीं कर रहे हैं,
तो इस तरीके से आप उसको फ्रेज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा आई फेल्ट इट वुडेंट बी राइट टू, लाइक ये सही नहीं होगा। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा दो आई अग्री विद यू इट सीम्स टू मी दैट। ओके नेक्स्ट फ्रेज है हमारा दैट्स कॉन्ट्रोडिक्टिंग, लाइक जो भी पॉइंट है आपको कॉन्ट्रोडिक्टरी लग रहा है तो उस पॉइंट को आप फिर लिखोगे दैट्स कॉन्ट्रोडिक्टिंग दिस। सो इस तरीके से भी आप इस फ्रेज को रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेल दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एज इट बट, लाइक आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये एक तरीका है देखने का लेकिन ये भी चीज हो सकती है, इस तरीके से भी इसको देखा जा सकता है। सो आप इस तरीके से डिसएग्रीमेंट दिखा रहे हैं एंड आप अपना पॉइंट रख सकते हैं बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही आराम से। नेक्स्ट है हमारा हाउएवर इन माय एक्सपीरियंस डैश, लाइक मेरे को लगता है ऐसी बात है हाउएवर, लाइक आप उसको अपोज ही कर रहे हैं एक तरीके से, हाउएवर इन माय एक्सपीरियंस, तो आप कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं लेकिन बहुत पोलाइटली, बहुत ही कामली। नेक्स्ट है हमारा आई एम अफ्रेड आई डू नॉट अग्री एंड, जो भी आपको कहना है किस चीज से एग्री नहीं करते हैं और क्या बोलना चाहते हैं वो भी आपको रखना पड़ेगा। आप सिर्फ यही नहीं कह सकते आई डोंट डिसएग्री, आई डोंट अग्री, बट आपको बताना पड़ेगा वाई, वाई यू डोंट अग्री। सो आपको अपना पॉइंट भी रखना पड़ेगा, यू कैन नॉट से जस्ट कि मेरे को ये चीज पसंद नहीं है, नो यू हैव टू पुट फैक्ट्स ऑन दैट कि वाई यू डोंट डिसएग्री, वाई डू यू नॉट एग्री विद दैट, या फिर आपको क्यों नहीं वो बात सही लग रही, तो आपको अपना फैक्ट भी रखना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट है हमारा अगर हमें किसी से कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, किसी ने कोई पॉइंट रखा, हम क्लैरिफिकेशन भी मांग सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं किसी के पॉइंट्स पर और अपने ओपिनियंस भी शेयर कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि किस तरीके के फ्रेजेस यूज किए जा सकते हैं फॉर दीज थिंग्स। ओके फर्स्ट फ्रेज है हमारा आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट, लाइक कि मेरा ये ओपिनियन है, आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट। नेक्स्ट है हमारा द पॉइंट आई वुड लाइक टू एड इज दैट। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू से दैट, सिंपल एंड ईजी, आई वुड लाइक टू से दैट, वेरी इजी पॉइंट, वेरी इजी फ्रेज। नेक्स्ट आई एम सॉरी बट कुड यू प्लीज मेक इट मोर क्लियर, लाइक क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं कि किसी ने कोई पॉइंट बोला और आप उससे क्लैरिफिकेशन ले रहे हैं कि भाई आपने ये बात क्यों कही। ओके नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हम बोल सकते हैं इफ यू डोंट माइंड कुड यू प्लीज रिपीट दैट अगेन, ये वाला पॉइंट आप यूज भी कर सकते हैं और नहीं भी, अगर आपको सीरियसली कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी को इंटरप्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं सो डोंट डू दैट। नेक्स्ट हमारा जो है वो है सॉरी टू इंटरप्ट बट, लाइक अगर आपको किसी चीज में इंटरप्ट करना है, आपको मौका नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके से आप इंटरप्ट कर देते हैं बहुत ही पोलाइटली इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा इज इट ओके इफ आई एड समथिंग हेयर, भाई कोई पॉइंट बोल रहा है और आपको आता है उस पर, अगर आपको मौका नहीं मिल रहा है तो इस तरीके के फ्रेजेस आप यूज करके एंटर कर सकते हैं। सो ये फ्रेजेस याद करना बहुत जरूरी है बिकॉज ग्रुप डिस्कशन में आपको मौका ढूंढना पड़ेगा, कोई आपको मौका देगा नहीं, सो यू हैव टू बी वेरी एक्टिव अटेंटिव टू टेक योर चांस, सो यू हैव टू इंटरप्ट बट इन अ वेरी पोलाइट एंड स्मार्ट मैनर, सो यू शुड नो दीज फ्रेजेस। नेक्स्ट हमारा है आई वुड लाइक टू एड हेयर दैट, मुझे यहाँ पे ऐड करना है, फिर आप अपना पॉइंट बताओगे कि आपको क्या बताना है। ओके लास्ट हमारा ये है कॉन्क्लूजन, अगर आप कॉन्क्लूड कर रहे हैं तो किस फ्रेजेस और किस तरीके के फ्रेजेस को आपको यूज करना चाहिए। सो सबसे पहले कॉन्क्लूजन में एक चीज मैं आपको बिल्कुल आराम से बिल्कुल आपके दिमाग में डाल देना चाहती हूँ कि अगर आप कभी भी ग्रुप डिस्कशन को कॉन्क्लूड कर रहे हैं तो आपको अपने जो पॉइंट्स हैं, जो आपके सजेशंस हैं, वो उसमें नहीं डालना है। आपने अगर वो ग्रुप डिस्कशन में डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट्स तो ही आप डालें, और आपको सभी के जो कॉन्क्लूजन इज लाइक अ समरी, तो जो डिस्कस हुआ ग्रुप डिस्कशन में उसको आपको कॉन्क्लूड करना है, तो सारे जो भी पॉइंट्स हैं अच्छे बुरे सब डालने होंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट दोनों डालने होंगे एंड उसको कॉन्क्लूड करना होगा। उसमें आप यूजली कैंडिडेट्स क्या करते हैं अपने सजेशंस भी उसमें डालना शुरू कर देते हैं, सो ये मिस्टेक बिल्कुल ध्यान से आप अवॉइड कीजिएगा। कॉन्क्लूजन इज द कॉन्क्लूजन ऑफ द ग्रुप डिस्कशन, इट्स नॉट
लाइक यू आर एडिंग सजेशंस इन दैट, प्लीज अवॉइड दैट. सो आपके भी जो पॉइंट्स हैं वो उसमें डाल दीजिए, सभी के पॉइंट्स लीजिएगा, बायस्ड मत होइएगा, जो भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, बुरे बुरे पॉइंट्स हैं वो सब ले लीजिएगा, सब कुछ कॉन्क्लूड कीजिएगा. ठीक है, सो उनके लिए फ्रेजेस हैं इन कॉन्क्लूजन. सबसे पहले आप सिंपल आप बोले इन कॉन्क्लूजन, और जो भी आपको पॉइंट्स लग रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट वो आप उसमें डाल सकते हैं, सारे पॉइंट्स को जो जो डिस्कस हुए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से. ठीक है, सो नेक्स्ट फ्रेज है वी हैव कॉन्क्लूडेड दैट. दिस इज अ वेरी वेरी गुड फ्रेज, लाइक हम सबको लेके आप बोल रहे हो वी हैव कॉन्क्लूडेड दैट. नेक्स्ट है हमारा फाइनली वी हैव अराइव्ड एट. अगर किसी कॉन्क्लूजन पे पहुंच गए हो तो आप इस तरीके से बोल सकते हो फाइनली वी हैव अराइव्ड एट. नेक्स्ट है हमारा हेंस आई कॉन्क्लूड दैट. आप कॉन्क्लूड कर रहे हो आराम से, आप इस फ्रेज को यूज कर सकते हो, हेंस आई कॉन्क्लूड दैट. नेक्स्ट है हमारा देयरफॉर वी कॉन्क्लूड. नेक्स्ट है हमारा देयरफॉर वी अराइव एट द कॉन्क्लूजन. एंड नेक्स्ट है हमारा वी हैव रीच एट आर आउटकम. दैट आउटकम जो भी है वो आप इसके आगे बताएंगे. दैट्स इट, आज के लिए इतना ही. लेकिन अगर आप ग्रुप डिस्कशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है इंटरव्यूज एंड ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड, तो आप मेरी वो वीडियोस देख सकते हैं. अगर आपने अभी तक ये मेरा पेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा पेज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सारी वीडियोस आपके बहुत काम आने वाली हैं. एंड जो भी वीडियोस हैं उन ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू से रिलेटेड, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, और आप मेरा पेज सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं सबके सवालों का जवाब देने की कोशिश करती हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वंडरफुल लाइफ.